और ये दूसरा उसके मुंह पे है, देखिए किस तरीके से खा रही है। कैरेट तरीके से खाएगा ये, ऑस्कर बड़ी ऑस्कर है वो, कीड़ा नहीं खा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ चुका हूँ अपने मॉन्स्टर टैंक साइट, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज मैं अपने फिशेस को वेजीज देने वाला हूँ, और वो क्या वेजीज होंगी वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और मैं काफ़ी दिन से अपने फिशेस को हिकारी स्टेपल खिला रहा हूँ, कभी चिकन खिला रहा हूँ, तो मैं आज सोचा कि आज कुछ मैं अलग खिलाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ये चिकन और हिकारी खा के बोर हो चुके होंगे। तो आज मैं सोचा कुछ इसे न्यूट्रिशन खिलाऊँ, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ यूज़फुल वीडियोज़ आपके लाता रहूँगा, क्योंकि जो मेरे फ़िशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ही बड़े हो चुके हैं। और अब मैं इसे कुछ वेजीज खिलाने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बहुत प्रोटीन और बहुत सारे जो पैलेट्स फूड खा के परेशान हो चुके हैं, तो आज मैं इसे वेजीज खिलाऊंगा, क्योंकि हमें कभी कभी वेजीज भी देना चाहिए फिशेस को, उससे उनकी ग्रोथ और जो उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलते वो थोड़े फ्रूट से मिल जाते हैं या फिर वेजीज से मिल जाते हैं। तो आज मैं उन्हें वही खिलाने वाला हूँ, और वो हमारे नियो जो पग है हमारा, उसका भी फेवरेट है बहुत ज़्यादा, तो आज हम वो फिशेस को भी खिलाने वाले हैं। तो हम आपको नियो को भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये दिन भर ऐसे ही सोता रहता है। नियो देखिए, ये तो सोते रहता है, लेकिन अभी मैं इसे फूड दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा फूड है जो मैं अभी आज खिलाने वाला हूँ अपने फिशेस को, हमारे मॉन्स्टर फिश को। और जो भी मैं अभी ट्राई करता हूँ, जो नया चीज़ ट्राई करता हूँ, वो हमेशा मैं अपने मॉन्स्टर टैंक में ही करता हूँ, क्योंकि हमारे जो मॉन्स्टर फिश है उन्हें, क्योंकि मैंने अपने बचपन से पाला है तो मुझे पता है कि ये कौन सी डाइट खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, तो मैं उस हिसाब से देता हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई फ़िश लाएँ तो हमेशा स्मॉल साइज़ से लाएँ, क्योंकि उसे आपको पता लग जाता है कि वो फ़िश क्या खा सकती है और क्या नहीं खा सकती है, और उसे आप अपने तरीके से ट्रेन भी कर सकते हैं कि आप उसे वही खाना खिलाएँ या हर तरीके का खाना खिलाएँ, क्योंकि मैं अपने फ़िशेस को हर तरीके का खाना खिलाता हूँ। तो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, क्योंकि मेरी फ़िश सब फूड खा लेती है, क्योंकि मैंने इसे बचपन से ऐसे ही ट्रेन किया है कि वो सब खा ले, इस वजह से मैं छोटा साइज़ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बट आरटीसी के मैं केस में थोड़ा अलग था, क्योंकि हम अगर स्मॉल साइज़ लाते तो हमारा जो मॉन्स्टर फिश है, ऑस्कर्स, पैरोट वगैरह, वो उसे अटैक करने की ज़्यादा कोशिश करते, इस वजह से बस मैं आरटीसी को थोड़ा बड़ा लाया। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जब मैंने इसे लाया था तो ये इतनी बड़ी नहीं थी, और काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है हमारी आरटीसी का। तो आप भी छोटे फिश ज़्यादा प्रेफर करें लाना, और उसे बचपन से पाले। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कि जो मैंने ऑस्कर की एक शॉर्ट्स डाला था कि जिसमें ऑस्कर गोल गोल घूम रही है, उसमें काफ़ी सारों ने कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी ऑस्कर की डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि ऑस्कर की डेथ हो जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे ऑस्कर की डेथ हो जाए, और आप सब ऐसा कमेंट भी करें कि उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने फिश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। आप देख सकते हैं मेरी ऑस्कर काफ़ी हेल्दी है और वो बिल्कुल भी डेथ की साइड नहीं जा रही है, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, तो आप ऐसा कमेंट मत करिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा फूड है और वो क्या है। तो आप देख सकते हैं ये है वो फूड जो मैं आज देने वाला हूँ इन्हें। मैं आज कैरेट पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, मैंने कुकुम्बर पहले भी दिया है, इसे हम खीरा भी कहते हैं, तो आज मैं ये देने वाला हूँ इसे, क्योंकि काफ़ी दिन से आपको मैं बता चुका हूँ कि ये प्रोटीन वाला फूड खा के बहुत बोर हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि इसे सब फूड मिले, क्योंकि ये फिशेस कुछ बोलते नहीं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या क्या खाना चाहते हैं और कैसे रहना चाहते हैं। तो आज हम इन्हें खीरा देने वाले हैं, और अगर कैरेट खाए तो हम कैरेट भी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे, जो इसका छिलका है उसे हम निकाल लेते हैं, पील ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे भी देंगे और हमारे नियो को भी देंगे। तो चलिए इसे वॉश कर लेते हैं और इसे इसका कवर पील ऑफ करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं आगे। इसे अच्छी तरीके से पील ऑफ कर लिया है और हमने थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल लिया है दोनों का, तो अब देख सकते हैं। तो अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है और हम कैसे फीड कराते हैं अपने फिशेस को। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह इससे बहुत छोटे छोटे पीसेस पे काट लिया, इतने भी छोटे नहीं काट लिए क्योंकि मेरे फिशेस मॉन्स्टर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये साइज़ बहुत ठीक है हमारे मॉन्स्टर फिश के लिए।
तो देखिए आप किस तरीके से ये दिख रहा है हमारा फूड। तो चलिए इसे देते हैं और नियो को भी हम दिखा देते हैं जो इस तरीके से बैठा है। देखिए ये तुरंत खड़ा हो चुका है इसे देख के, देखिए सो के उठ चुका है। तो हम इसे भी देंगे, सबसे पहले हम अपने फिश को दे देते हैं उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको। तो चलिए हम इसे देते हैं, मैंने कुछ पीसेस निकाल लिए हैं और हम इसे डालते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इसे कौन खाता है। आप देख सकते हैं मेरी ऑस्कर फिशेस सब चीज़ खाती है। आप देख सकते हैं मेरी बड़ी ऑस्कर भी इसे खा रही है और पैरोट फिश तो बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मेरी सबसे बड़ी पैरेट है वो एक बार पे ही इसे निकल गई। मेरी बड़ी ऑस्कर इसे अभी खा नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया इसे, लेकिन ये पहले जब मैं देता था तो ज़रूर खाती थी। और आप वाइट ऑस्कर को देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से सबको खा गई, इसके पूरे मुंह पे भरा हुआ है। तो आप देखिए सबसे अच्छा मेरा पैरेट फिश खा रहा है बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से। और आप हमारी आरटीसी को भी देख सकते हैं, देखिए नियो कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। आप हमारी आरटीसी को देख सकते हैं कि वो कैरेट खा रही है, मुझे कभी लगा नहीं था कि वो कैरेट भी खाती होगी। देख सकते हैं उसके मुंह पे कैरेट है और कितनी अच्छी तरीके से खा रही है। मुझे लगता था आरटीसी सिर्फ हमेशा मीट खाना पसंद करती है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि हमारी आरटीसी भी कैरेट खाती है। और आप देख सकते हैं मेरी ऑस्कर, बड़ी ऑस्कर है, वो खीरा नहीं खा रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया, लेकिन मेरी बाकी सारी फिश अच्छी तरीके से खा गई। आप देख सकते हैं इसके मुंह पे कितना सारा कुकुम्बर रखा हुआ है, लेकिन जो मेरी बड़ी ऑस्कर है वो नहीं खा रही है। तो कोई बात नहीं, ये आज पता नहीं इसका मूड है अभी कि नहीं, इस वजह से नहीं खा रही है क्योंकि ये सारा चीज़ खाती है। हम काफ़ी दिन से इसे ये सब दे रहे थे तो शायद इसका मन अभी नहीं कर रहा होगा, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी इसकी आदत ऐसे लगाते रहेंगे क्योंकि ये पहले भी खा चुकी है बहुत बार, मुझे पता है, तो वो अभी धीरे धीरे खा लेगी। तो आप देख सकते हैं। और आप चलिए हम अब नियो को देते हैं, हमारा नियो तो सब चीज़ खा लेता है, तो हम नियो को देते हैं। चलिए नियो, हमारा नियो, और हम नियो को अभी देने वाले हैं फूड। देखिए किस तरीके से खाएगा ये। देखिए कितनी अच्छी तरीके से खाता है नियो। नियो का फेवरेट फूड है ये जो खीरा है, बहुत अच्छी तरीके से खा लेता है। हम इसे गाजर भी ट्राई करके देखते हैं क्योंकि ये गाजर नहीं खाता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आज ट्राई करके देखते हैं। देखिए नहीं खाया गाजर ये नियो। देखिए गाजर नहीं खाता है तो हम इसे सिर्फ खीरा देंगे। ये लेनी हो ये अभी अभी सो के उठा है इस वजह से थोड़ा एक्टिव नहीं है उतना, लेकिन ये खा लेता है सारा खाना। देखिए किस तरीके से खाता है खाना। तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो मॉन्स्टर टैंक है उसमें हमारा सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, जितना अभी मैंने कुकुम्बर डाला था और कैरेट डाला था। मुझे ये बात जान के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि हमारी आरटीसी दो कैरेट खा चुकी है, एक पहले खा चुकी है और ये दूसरा उसके मुंह पे है। देखिए किस तरीके से खा रही है, कैरेट खा के घूम रही है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए कि ये कैरेट भी खाती है। तो देख सकते हैं मेरा टैंक, मेरी ऑस्कर नहीं खाई तो हम उसे अभी हिकारी का स्टेपल ही देंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन या तो अच्छा लगता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो या फिर कुछ भी ऐसा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू।